नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एसआर के फिल्म्स और मैं हूं आपका मेजबान इश्तियाक सोफी। नाजरीन इस समय मौजूद है टाउन हॉल अनंतनाग में। आपको बता दूं कि एसोसिएशन ऑफ अनंतनाग जर्नलिस्ट्स आज ने यहां पे नॉर्थ कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, नॉर्थ कंपटीशन 2024। आपको बता दूं कि अनंतनाग में काफी सारे ऐसे स्कूल है जिनको हमने इन्वाइट किया है इस नॉर्थ कंपटीशन में। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जिन बच्चों के अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है उन बच्चों को हम देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे, टेलीविजन स्क्रीन पे लाएंगे। आपको बता दूं कि साउथ कश्मीर में पहली बार इस तरह का प्रोग्राम एसोसिएशन ऑफ अनंतनाग जर्नलिस्ट आज ने ऑर्गेनाइज किया है। आइए नाजरीन आपको ले चलते हैं प्रोग्राम की ओर। नबी का लब पे जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पे जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। काबे की रो
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, हर बात तसव्वुर में मदीने की गली हो। आज जो इस नात कंपटीशन को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जो आज के नाम से यहाँ अनंतनाग के जिसमें हुनार जर्नलिस्ट हैं, उनके प्रेसिडेंट, उनके वाइस प्रेसिडेंट, उनके जनरल सेक्रेटरी और सारे मेंबर हजरात जो मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि हम सब एक हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला से यही दुआ है जो आपने यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग स्कूल से जो भी नात खानी आपने यहाँ पे की, वो अल्लाह ताला वो सारी दुआ कबूल करे। आज के इस रमज़ान के मौके पे और जो भी उनमें से आपने अलग अलग तरीके से इच्छाएं जाहिर की, वो कहीं ना कहीं हम सब के दिल की है। जो तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इसका इनकार किया। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप और भी बड़े प्लेटफॉर्म में आगे जाए, और उसके साथ साथ ये भी दुआ करें कि आप में से ही कल हमारे बीच में IAS हो, IPS हो, KS हो, KPS हो, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। जिस मकान में, जिस वक्त पे और जो जबान नबी की तारीफ करती है, तो वो सारी जगहें वो जबान वो खुशबू देती हैं। प्यारी महफिल सजाई थी आज के दिन में, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, बच्चों ने नात पढ़े। यहाँ पर कंपटीशन होता रहता है, कोई जैसे हिलाल साहब बता रहे थे कभी फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ऐसे महफिल ये दर्शाता है कि हमारे बच्चों में ये भी पोटेंशियल है, ये आर्ट है, ये हुनर है। तो ऐसी महफिल इनकाद करने के लिए मतलब शुक्रगुजार जो ऑर्गेनाइजर्स है यहाँ पर। तो आगे भी वक्त, आने वाले वक्त में भी ऐसे बहुत से प्रोग्राम होने चाहिए ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या यूटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी कंपटीशन का इनाकाद किया जाए। कि पादशाह हाजे करम चश्म निगाहदारम आजादु बाप नदारम चूत शाहदारम बेगुजर कीन मन ने चरख की उफ्ताद नेम चू रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुश्त पनाहदारम। शुक्रिया। शमसीपुरा का नाम आपने बोला था और आपने जिंदा करवाया। चलो बहुत एसोसिएशन ऑफ अनंतनाग जर्नलिस्ट की तरफ से तजरी अशरफ को ढेर सारी मुबारकबाद, और साथ ही मारिया तशरीफ लाए इस पर। और अपना इनाम हासिल करें। वो सर्टिफिकेट उधर ठीक करवाना। आपकी फिलहाल मरफात अब आशी हुसैन मुसर में आना। ऐसा बदल दिया मैंने पार्टी। चलो बताओ। अरे तक्का। टैलेंट चला। आ गया। आपने मशीन। चलो। चलो शाबाश। चलो। तो बिल्कुल नाज़रीन, और एक प्यारी सी गुड़िया हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। गुड़िया का नाम है
जैनब फातिमा आप कहाँ रहते हैं? ब्रैकपुरा में रहते हैं। सेंट जेम्स इंटरनेशनल स्कूल जो कि हर साल सुर्खियों में होता रहता है, गुड़िया आज टाउन हॉल में आप आई थी, क्या करने के लिए आई? नॉर्थ कॉम्पिटिशन में आपने हिस्सा लिया, कैसा प्रोग्राम रहा और क्या मैसेज रहेगी बाकी स्टूडेंट्स से? हर किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहे